फिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर से मोबाइल में फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल से कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कंप्यूटर में आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडो का आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रोम इस्तेमाल किया है। तो क्रोम में आपको ओपन करना है वेबसाइट sharedrop.io। वेबसाइट टाइप करके आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप फाइल तभी ट्रांसफर कर सकेंगे जब कंप्यूटर और मोबाइल दोनों एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होना ज़रूरी है, तब जाके दोनों डिवाइस आपस में एक दूसरे में बताएंगे। अलग अलग नेटवर्क से आप ट्राई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मोबाइल में क्रोम ओपन कर लेना है और वेबसाइट सेम वेबसाइट यहाँ पे भी ओपन कर लेना है sharedrop.io। जैसे ही ओपन करेंगे एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होगा दोनों डिवाइस तो आपस में बता देंगे। तो हम मोबाइल से पहले फाइल को ट्रांसफ़र करके पीसी में ले जाते हैं। तो यहाँ पे यू जो है उसके अलावा जो भी एक और यूज़र है उस पर क्लिक करना है। कोई भी एक फाइल को आपको सिलेक्ट कर देना है, सेंड पे क्लिक करना है। पीसी में सेव आएगा तो आपको सेव कर लेना है। फाइल आ गई है तो ये फाइल को ओपन करके हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल आ गई है। अब कंप्यूटर से मोबाइल में फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यूज़र पे क्लिक करना है और कोई भी एक फ़ोटो को सेंड कर देना है। यहाँ पे सेव ऑप्शन आएगा मोबाइल में तो सेव कर लेना है। फाइल को ओपन कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू।